अरे भाई, तुम्हें विक्रम मनु देख रहे हो? कट्टे लाल सो से समझ में आ रही नहीं आ रही। और ये है अपना ई टाइम्स, कतई जहर तरीके से देखना भाई, सो पसंद करना। जय श्री राम। ये एक शो है जिसका नाम है काटेलाल इंसान्स, जो एक एक्चुअल स्टोरी पे है कि दो लड़कियां अपने डैड की जो जनरेशन है, बार्बर शॉप, उसको आगे चलाने के लिए क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लाती हैं। और उन दो लड़कियों के ऑपोजिट दो हीरो हैं, मैं और पारस। और हमने पहले भी महाभारत में साथ में काम किया है, तब हम अगेंस्ट थे, अभी हम साथ में हैं। और कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है विक्रम, और हरियाणवी लड़का है और दिल का बहुत साफ है। और कहीं ना कहीं मैं जब बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ था तो जो दिल्ली वाली जोन में मैं रहता था, कहीं ना कहीं उससे बहुत सिमिलर है। बुलेट चलाना, दोस्तों के साथ घूमना, लोगों की मदद करना, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, किसी का लाइफ में ख़राब नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, और खूब मस्ती करना, इन्जॉय करना, फ़न करना। और वही कैरेक्टर चल रहा है, तो मुझे अपनी ही जो रियल पर्सनैलिटी है वो रियल पर्सनैलिटी में देने का मौका मिला। इसमें लुक बहुत यंग है, कॉलेज गोइंग है लड़का ऑफ कोर्स, और गैजेट्स वगैरह हाथ में, और ये अपने बैंड्स वगैरह और कॉस्ट्यूम। आज तो एक और शादी का सीक्वेंस चल रहा है, इस वजह से ऐसा ढका हुआ है इन्होंने मुझे, अदरवाइज़ ये यूजली मुझे ढकते नहीं हैं। और सैंडोज वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लुक, मतलब बोला जाए तो कूल बॉय है, वेरी कूल बॉय एंड वेरी ओपन बॉय। उनसे हट के सबसे पहली बात है कि हर कैरेक्टर अपने आप में एक हट के होता है। अगर आप महाभारत की बात की तो अश्वत्थामा अलग था, हिस्टोरिकल था, माइथोलॉजिकल, और फिर नागिन में यू भी एक अलग था, बहुत रेज थी उस कैरेक्टर में, बहुत अग्रेसिव था। फिर हैवान की बात करें तो वो एक बहुत ही साइलेंट था, बट देन सिचुएशंस के हिसाब से ही टर्न्स नेगेटिव, ग्रे हो जाता है। एंड दिस कैरेक्टर इज़ आउट एंड आउट पॉजिटिव, सो आई गेस वो जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो एक दायरा होता है, वो अपने अपने दायरे में खेलने का जो मज़ा है ना, वो हर कैरेक्टर में अलग आता है। तो इसमें मुझे वो पॉजिटिव वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार, लॉकडाउन का टाइम हम सबके लिए बहुत टफ गया है, और आई हैव बीन यू नो लकी इनफ, थैंक यू गॉड, कि मेरे लॉकडाउन पीरियड आने से पहले एक टाइटल रोल मैंने प्ले किया, और लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे फिर एक टाइटल का ऑफर हुआ। सो आई गेस कहीं ना कहीं ये अच्छे कर्म है, जो इतने टफ टाइम में जहाँ लोग घर छोड़ के जा रहे हैं और यू नो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए डेली की डेली फाइट कर रहे हैं, तो उसमें काम मिलना, आई मीन आई एम रियली थैंकफुल टू द प्रोडक्शन हाउस, टू द कास्टिंग टीम एंड एवरीवन। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सकता है उतना ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिखावे के लिए झूठ बोलूँगा। एक्टर्स बार बार मास्क नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज यू नो जब लंबा ब्रेक होता है तब ऑफकोर्स मास्क लगाते हैं, बट डायलॉग्स के टाइम पर आप नहीं मास्क पहन सकते, तो वो एक अलग चीज़ है। और क्रू पूरा मास्क में रहता है और सैनिटाइज होता रहता है, मेरे रूम में एंटर करने से पहले मेरा रूम सैनिटाइज होता है, सेट के इक्विपमेंट सैनिटाइज होते हैं, एंड देर इज़ अ गाय फ्रॉम द चैनल जो हर वक्त ध्यान रखता है कि लोगों ने मास्क पहने हुए या नहीं है, एंड तो सब सब अच्छा है, सब सब स्ट्रिक्ट है। मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अपने आसपास के जो लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं उनका ध्यान दीजिए, जो बच्चे हैं उनका ध्यान दीजिए। और एक मैंने चीज़ जो लॉकडाउन में बहुत क्लोजली यू नो विटनेस की है, कि कोई ज़रूरतमंद अगर आपके पास आता है तो उसकी हेल्प करने से हिचकिचाइए मत, चाहे जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे या जितना आपकी विल अलाउ करे उस हिसाब से करें। और बाकी इन्जॉय करिए, स्टे सेफ। मैं उम्मीद करता हूँ 2021 सबके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आए, एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।